बताना चाहता हूँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरे साथ जनसमर्थन है। निर्दलीय फॉर्म भरने की बात है तो आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो कांग्रेस की लिस्ट आई उसमें सम्माननीय बड़े भैया सुजीत चौधरी जी, हमारे जो विधायक हैं, उनका नाम आया। लेकिन हमने हमारी बात रखने के लिए हमारे जो नेता है, हमारे सम्माननीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा के, कहा जाए सब कुछ उन्होंने, उनका जो डिसीजन है उनके पास मैंने अपना पक्ष रखा हूं, क्योंकि मैं भी उनका परिवार का बेटा हूं और जब तक मैं अपनी बात नहीं रखूंगा, आपको मालूम है आज बच्चा जब रोता है तो दूध माँ कब पिलाती है, जब रोता है तभी दूध पिलाती है। तो ये आवाज़ है, ये आवाज़ लेकर मैं साहब के सामने और आप सब लोगों के सामने आया हूँ। हमारे नेता निश्चित तौर पर इसमें परिवर्तन करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे। ये मैं तय नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे जो समर्थक हैं जो इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, अभी तो संसाधन के कारण कम लोग आए हैं, करीब 2 से 2500 गाड़ियाँ आई हुई है, 10 से 15-20 हज़ार लोगों के आसपास, लोग बाइक से भी आए हैं, लोग बसों से भी आए हैं, कुछ लोग आपको साइकिल से भी मिलेंगे। ये मेरा परिवार है, चौरी विधानसभा मेरा परिवार जैसा है। तो जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो लाए हुए लोग नहीं हैं, आप किसी से भी बात करेंगे वो आए हुए लोग हैं। फ़र्क इतना है कि लोग लाते हैं, ये मेरे साथ आए हैं, ये पिछले 20 सालों से मेरे से कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और हमने कांग्रेस के लिए अपना खून पसीने को छींचा है, कई आंदोलन करे हैं, उसके गवाह आप हैं। बड़े बड़े आंदोलन करे, जेल जाने से भी पीछे नहीं हटे। मेरे ऊपर तो रासुका लगाया गया, 34 दिन में जेल में रहा, 9x9 के कमरे में मुझे रखा गया, लेकिन मैं सम्मान नेता कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करने के लिए डटा रहा, मैं पीछे नहीं हटा और विश्वास दिलाता हूं आगे भी हमारे जो लोग हैं क्षेत्र की आवाज के लिए मैं डटा रहूंगा, पीछे नहीं हटा। ये जो इतनी भीड़ आज जुटी है, जैसा कि आपने कहा कि 2000 गाड़ियों का काफिला आपके साथ चल रहा है और चौरे विधानसभा क्षेत्र का लगभग पूरा युवा वर्ग यहाँ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ने की ही तैयारी है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये भीड़ नहीं है, आप भीड़ जो बोल रहे हैं ये मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं, और आप किसी से भी बात करेंगे तो इनके पास में एक अपनापन झलकेगा। ये मेरे में कुछ देखते हैं, ये मेरी इतने दिनों की दौलत है जो मैंने कमाई है, ये मेरे अपने लोग हैं और मैं इन लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ और इन सब लोगों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में मुझे इनके लिए कोई भी हद तक जाना पड़े, अपनी जान भी नछावर करनी पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।